नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीहोर जिले की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी एक बार फिर चर्चा में। बीजेपी से यहां उम्मीदवार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने विवादित मिर्ची बाबा को टिकट दे दिया है। आप भी हैरान हो गए होंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को किस बिहाफ पर टिकट दे दिया। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने यहां से रामायण के हनुमान विक्रम मस्ताल को कैंडिडेट बनाया था। बुधनी सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। मिर्ची बाबा पिछले साल एक महिला से रेप के मामले में गिरफ्तार हुए थे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने शिवराज सरकार को निशाने पर लिया था। इससे पहले मिर्ची बाबा 2019 के लोकसभा चुनाव के, आपको बता दें, भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल मिर्ची के हवन करके सुर्खियां बटोर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि दिग्विजय सिंह अगर चुनाव नहीं जीतते तो वे खुद जल समाधि ले लेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारने के बाद मिर्ची बाबा पर नजर डाली गई तो देखा गया कि वो अपनी बात से पलट गए। मिर्ची बाबा ने सोमवार को लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की। इसको पोस्ट करते हुए वह लिखते हैं, एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। उसके बाद से ही ऐसी खबरें सामने आने लगी कि मिर्ची बाबा सपा के टिकट पर बुधनी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि शुक्रवार को सपा की लगभग 35 उम्मीदवारों की सूची आने के बाद हुई। सपा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने जिस तरीके से वैरंग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को टिकट दिया, मध्य प्रदेश में मिर्ची बाबा तब विवादों में आए। आपको बता दें, जब पिछले साल एक निसंतान महिला ने उन पर नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने अगस्त 2022 में मिर्ची बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन इन आरोपों को अभियोजन पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया, जिसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को सितंबर 2023 को बरी कर दिया। अब रोचक होगा कि बुधनी का मुकाबला कैसा होगा। बुधनी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं। बुधनी को शिवराज का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस इस सीट पर, आपको बता दें, एक्टर विक्रम मस्ताल को उम्मीदवार बना चुकी है। हालांकि स्थानीय तौर पर मस्ताल का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं अब सपा ने मिर्ची बाबा को बुधनी से टिकट देकर मुकाबला और रोचक बना दिया है। सपा ने 5 सीटों पर उम्मीदवार बदले और सपा ने शुक्रवार को 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसके अलावा 5 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की घोषणा की। उसमें बिजावर से मनोज यादव की जगह रेखा यादव, देव तालाब से रामयज्ञ सोधिया की जगह सीमा तोमर, पृथ्वीपुर से शिवांगी यादव की जगह मिनी यादव, गुनौर से जितेंद्र कुमार की जगह अमिता बागरी और गोहद से मोहन लाल की जगह जितेंद्र खटीक को टिकट दिया गया है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी का ये दाव जो मिर्ची बाबा पर चला है, क्या ये बराबर की टक्कर शिवराज सिंह चौहान को दे पाएगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया। धन्यवाद।